विदिशा में राजस्व विभाग, नगर पालिका और पुलिस प्रशासन ने बस स्टैंड, एसजीएस कॉलेज और सेंट जोसेफ स्कूल पर नवीन अतिक्रमण को एसडीएम विजय राय और तहसीलदार संदीप जायसवाल ने अपना सख्त रवैया दिखाते हुए सख्ती से अवैध अतिक्रमण को सामने ही खड़े होकर हटवाया। वहीं पूर्व में अतिक्रमणकारियों को अपना अतिक्रमण हटाने 3 दिन का अल्टीमेट दिया था। बस स्टैंड, एसजीएस कॉलेज और सेंट जोसेफ स्कूल के पास अमले द्वारा की गई अतिक्रमण से कार्रवाई में बस स्टैंड पर 2 खोखे और एसजीएस कॉलेज की दीवार से लगे 1 खोखा और 8 फ्रेम को जेसीबी के द्वारा हटवाया गया। सेंट जोसेफ स्कूल की दीवार के किनारे पूर्व से रखे हुए दुकानों को खोखे को हटवाने के लिए एसडीएम विजरा तहसीलदार संदीप जायसवाल से सख्त लहजे में 3 दिन का अल्टीमेट समय दिया गया था। वहीं एसडीएम विजय राय ने कहा है कि कई समय से नगर पालिका शासकीय स्कूल कॉलेजों की बाउंड्री के पास नए ढांचे रखे जाने और खरीदने बेचने की जानकारी प्राप्त हुई थी, जिनको नगर पालिका द्वारा सूचित किया गया था, लेकिन उन्होंने नहीं हटाई। जैसा कि नगर पालिका क्षेत्र बांसवाड़ा में विगत कई समय से ये शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि विभिन्न नगर पालिका की या शासकीय जमीनों पर कॉलेज या स्कूलों की बाउंड्री वॉल के पास अनेक प्रकार के खोखे रखे जा रहे हैं और उनका खरीद फरोख्त भी किया जा रहा है, परंतु इसकी जानकारी नहीं मिली कि किसके द्वारा ये रखे गए हैं और किसके द्वारा खरीद फरोख्त किया जा रहा है। इसमें जो भी नए ढांचे या नई ऐसी गुमटियाँ थीं जो कि अभी कंस्ट्रक्शन स्तर पर थी, उन सभी को हटाने के लिए पूर्व में नगर पालिका ने मुनादी भी कराई, सभी को सूचित किया, परंतु उसके बाद भी वो नहीं हटाए गए। तो आज दिनांक को नगर पालिका, राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा उनको बलपूर्वक उन ढांचों को हटाया गया। बिल्कुल, नगर पालिका के द्वारा सभी को हिदायत नगर पालिका के माध्यम से जारी कराई गई है कि 7 दिवस में इस प्रकार के जितने भी अवैध निर्माण हैं उनको पृथक कर लिया जाए, जिससे भविष्य में किसी प्रकार की घटना दुर्घटना निर्मित ना हो। और सभी को सचेत भी किया गया है कि इस प्रकार के अतिक्रमण ना करें, यदि वो अतिक्रमण करते हैं तो उन पर इसी प्रकार की कार्रवाई की जाएगी। यदि इस प्रकार के कोई दस्तावेज या कोई साक्ष्य हमको मिलते हैं तो उस पर भी हम लोग विधिवत कार्रवाई करेंगे और उसके जो भी प्राथमिकी दर्ज कराई जा सकती है संबंधित विभाग के द्वारा वो कराएंगे।